ये ई बाईसाइकिल जरूर है, बट इसमें इतनी सारी फंक्शनैलिटी है कि हम लोगों को खुद देख देख के करना पड़ रहा है, राइट। जैसे कि ये आपका सीट, आप ऐसे इसको मोड़ सकते हो और यहाँ पे इसको बैटरी की जो स्ट्रेंथ है आप यहाँ पे बटन दबा के इसको पता लगा सकते हो, राइट। और बैटरी भी यहाँ से यहाँ निकाल भी सकते हो और एक्सटर्नली आप इसको निकाल के चार्जिंग पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द बेनिफिट है, एक फंक्शन है। उसके बाद ये आपका जो पैडल है ये भी और शॉर्ट हो जाता है, राइट। जैसे कि आप कहीं पे इसको ले के जा रहे हो तो ये आपका शॉर्ट भी हो जाता है, ताकि एक कॉम्पैक्ट स्पेस में आप इसको कहीं पे भी लेके जा सको। और ये जो आपको जॉइंट दिख रहा है इससे आपकी ई बाईसाइकिल है ये थोड़ी सी आपकी मुड़ भी जाएगी और एकदम कॉम्पैक्ट वे में आप इसको कहीं पे भी कैरी करके, राइट, आप एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहे हो। आप अपनी बाइक नहीं लेके जा सकते, बट अपनी आप बाईसाइकिल लेके जा सकते हो। नॉन आर टी ओ सेगमेंट के तो ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, राइट। और इसके अलावा और भी फंक्शनैलिटी है, जैसे कि आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे डिस्क ब्रेक है, और साथ ही साथ यहाँ पे मोटर्स भी हैं जिसके बारे में आपको भावेश सर और अच्छी तरीके से बता सकेंगे, राइट। सीट को हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इसका छोटा सा एक डैशबोर्ड है, अभी ऑन है। तो जैसे कि यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, राइट, ये आपका बैटरी की स्ट्रेंथ बताता है। और इसमें भी आपके ई बाईसाइकिल में भी आपकी लो मोड है, मीडियम मोड है, हाई मोड है, राइट। आप इसमें मोड अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, उसके हिसाब से ये चलेगी। और लाइट भी आपका सामने में जलता है, राइट। और आपका यहाँ पे हॉर्न भी है। तो यहाँ पे इस ई बाईसाइकिल में छोटी ज़रूर है, बट इसमें सब की सब फंक्शनैलिटी है जो कि एक ई बाइक में होनी चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट और ईजी टू कैरी भी है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके। और बाकी मोटर्स और एमसीयू के बारे में आपको भावेश सर और डिटेल वे में बताएंगे। तो ई बाइसिकल की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह बीएलडीसी मोटर ही यूज़ हो रही है, जो कि हब मोटर है। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है व्हील पे, ये आपका हब मोटर है। यहाँ पे अगर हम लोग जूम करेंगे तो इसके स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि ये 250 वाट्स की ये मोटर है और 36 वोल्ट की यहाँ पर इसकी वोल्टेज की इनपुट है, जो मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट है। तो ये भी आपकी एक बीएलडीसी मोटर है। और अगर इसके मोटर कंट्रोलर की बात करें तो वो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, जो आपके बैटरी पैक के जस्ट नीचे यहाँ पे एक आपको स्पेस दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर, तो इसके अंदर ही आपका मोटर कंट्रोलर यूनिट लगा हुआ है। और नीचे से इसकी जो वायर है वो मोटर कंट्रोलर के थ्रू होते हुए आपकी मोटर को यहाँ पर सप्लाई हो रही है, राइट। तो यहाँ पे मोटर कंट्रोलर यूनिट हमें दिख नहीं पा रहा है, बट वो इसी स्पेस के अंदर यहाँ पर है। तो चलिए आइए इस बाइसिकल की हम लोग राइड करके देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है।